गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग द टॉपिक ऑफ स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न को कैसे स्पिनिंग करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। तो कॉटन यार्न बनाने को आप अपने आप ट्राई करो कैसे, तो इसके बारे में आपको दिखाया था। हाथ से हम खुद करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, सो हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, थोड़ा बहुत ही ऐसे यार्न बना पाएंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में कॉटन वूल लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, ऐसे जैसे यहाँ दिखा रहे एक थंब के हाथ में दूसरी दो उंगलियों के बीच में। सो लिखा है पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, आर यू एबल टू मेक अ यार्न। सो हम ऐसे जैसे कि यहाँ पे दिखाया ऐसे ट्विस्टिंग करते रहेंगे, कॉटन जो होता है उसको ऐसे ट्विस्टिंग करेंगे जैसे कि हम बाती बनाते हैं, मतलब दिवेट बनाते हैं। तो ऐसे ही हम उसको घुमाते रहेंगे तो उसमें से यार्न बनेगा। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो यहाँ हमने क्या देखा, कॉटन में से मतलब रुई में से हमने धागा बनाया। सो कॉटन में से हमने क्या बनाया, यार्न का थोड़ा सा टुकड़ा। सो ऐसे बहुत बड़े जो यार्न के बंच बनाए जाते हैं, यार्न के कॉर्न बनाए जाते हैं, ये जो प्रोसेस होती है इट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक, सॉरी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो फाइबर्स में से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, तो कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड बाहर निकलते और ट्विस्ट हो जाते हैं, मतलब गोल गोल उसको ट्विस्ट करते हैं हम। दीज ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, दीज ब्रिंग्स द फाइबर्स, तो इससे फाइबर्स जो एक साथ होता है टुगेदर होता है एंड टू फॉर्म अ यार्न, और उसमें से यार्न बनता है। एज इट इज डिवाइस की बात करें तो अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। सो टकली नाम का एक डिवाइस है, उसके अंदर भी हम स्पिनिंग करके यार्न बना सकते हैं। तो यह लिखा है अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, ऐसा ही एक दूसरा एक डिवाइस है जिसमें भी यार्न बनाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान आज़ादी की लड़ाई के दरमियान महात्मा गांधी की वजह से चरखा फेमस हो गया था। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पुन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सून इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो गांधी जी ने क्या कहा था, क्लोथ मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म एज खादी, तो घर पे बनाए हुए वस्त्र पहनने का गांधी जी ने बताया था। तो हियर इज अ चरखा, चरखे की यह फिगर है, उसके अंदर कपड़े बनाए जाते थे उसको बोला जाता है खादी। सो क्लोथ मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड स्पन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो 1956 में ही गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी मतलब यहाँ की होममेड थिंग थी, तो ब्रिटेन से आने वाला जो कपड़ा होता था उसको नहीं लेने की जगह हमको यहाँ का लोकल कपड़ा बनाने के पर जोर दिया गया था 1956 में। सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो 1956 में एक कमीशन बनाया गया
खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. तो अगर बड़े पैमाने पे थ्रेड मतलब यार्न बनाना हो तो स्पिनिंग मिल में बनाया जाता है, तो उसके अंदर स्पिनिंग मिल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो स्पिनिंग मशीन से स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है. सो अभी हम कहाँ पहुँचे, तो हम अभी फाइबर में से सिर्फ यार्न तक पहुँचे हैं. यार्न हमारे कुछ काम में नहीं आएगा, यार्न से कपड़े बनेंगे, कपड़े हमारे काम में आएंगे. सो आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. तो यार्न बनने के बाद ही उसमें से कपड़े बनाए जा सकते हैं. कपड़े मतलब कोई भी फैब्रिक बनाए जा सकते हैं, जैसे टॉवेल है, बेडशीट है, कर्टन है, कंबल है जो हम ओढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ कपड़े की यार्न बनने के बाद ही उसमें से फैब्रिक बनता है. सो देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. तो दो तरह से यार्न में से फैब्रिक बन सकता है, तो दो मेथड है, वन इज़ वीविंग एंड सेकंड इज नीटिंग. सो वीविंग से भी फैब्रिक बन सकता है एंड नीटिंग से भी बन सकता है. तो फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट वीविंग. इन एक्टिविटी टू यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू साइड्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर. तो एक्टिविटी टू में आपने देखा होगा कि जो फैब्रिक जो थे टू साइड्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर, दो धागे एक दूसरे के साथ अरेंज होते थे. एंड द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू साइड्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड अ वीविंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू साइड्स ऑफ यार्न मतलब यार्न के दो साइड को एक साथ अरेंज करने की जो मेथड है और उसमें जो फैब्रिक बनता है इट इज कॉल्ड अ वीविंग. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड अ वीविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्राइप. तो यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी गई है पेपर स्ट्राइप में से वीविंग करने की, जिससे आपको वीविंग क्या है समझ में आए. सो टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. दो अलग अलग कलर के दो पेपर लेने हैं. कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. दोनों शीट की लेंथ 30 सेंटीमीटर आपको रखनी है. नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इन टू हाफ. दोनों को आधी मोड़ देनी है. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12A. तो यू कैन सी इन दिस फिगर हियर इज अ ऑरेंज एंड ग्रीन पेपर. सो ऑरेंज एंड ग्रीन पेपर को ऐसे मोड़ देना है जैसे 3.12A में है ऐसे. फिर क्या करना है, ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12B. तो उसके अंदर हमको कटिंग करना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कटिंग करना है, पूरा कटिंग करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कटिंग करते जाना है. यू कैन सी इन दिस फिगर. तो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है और सी के ऊपर की साइड फर्स्ट सेकंड, तो उतना ही कटिंग करना है. अल्टरनेटली कटिंग करना है उसके अंदर से आपको दूसरे पेपर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके निकालना है. जैसे कि आपने देखा होगा खटिया भी जब भरते हैं तो खटिया की पार्टी में भी ऐसे ही भरा जाता है. सो इट इज़ लाइक वीविंग. सो कट बोथ द सीड्स अलोंग द डॉट द लाइन्स एंड देन अनफोल्ड. और फिर उसको ऐसे अनफोल्ड करो. वीव द स्ट्राइप्स वन बाय वन थ्रू द कर्व्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12C. तो सी में दिए गए मुताबिक हमको वीव मतलब उसके अंदर ये शीट को भरना है अंदर. एंड फिगर 3.12D शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्राइप. तो सब स्ट्राइप हो जाने के बाद आपको पैटर्न कैसी दिखेगी, लाइक दिस. तो दो तरह के पेपर यह गए ऐसे ही, दो तरह के थ्रेड जब जाते हैं एक दूसरे में परोए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ वीविंग. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वीविंग. वीविंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझाया. नाउ इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक. दो तरह के यार्न जो होते हैं उसमें से फैब्रिक बनता है. एंड द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्राइप. तो यार्न जो होते हैं हमारे पेपर स्ट्राइप से बहुत ही पतले होते हैं. ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स एंड द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर लूम. तो लूम्स में भी फाइबर में से फैब्रिक मतलब यार्न में से फैब्रिक बनाया जाता है. हियर इज अ हैंड लूम. यहाँ एक लेडीज़ जो दिख रही है आपको हैंडलूम से यार्न में से
फैब्रिक मतलब कपड़ा बना रही है, ऐसे हैंडलूम मतलब हाथ से चलने वाली हो इट इज़ कॉल्ड हैंडलूम, एंड पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स भी होते हैं इट इज़ कॉल्ड पावर लूम्स। नाउ सेकंड प्रोसेस इज नीटिंग, तो वीविंग से भी कपड़ा बनाया जाता है मतलब कि यार्न में से फैब्रिक बनाया जाता है, एज इट इज नीटिंग से भी फाइबर में से फैब्रिक मतलब फाइबर में से यार्न, यार्न में से फैब्रिक बनाया जाता है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, क्या आपने नोटिस किया है स्वेटर कैसे बनते हैं, तो इन नीटिंग, तो नीटिंग से बनते हैं। सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब उसके अंदर एक ही यार्न यूज होता है, तो सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, तो कभी फटे हुए सॉक्स में से आपने एक धागा कभी खींचा है, अगर खींचा होगा तो व्हाट हैपन, तो सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, मतलब वो धागा आप खींचते जाओगे जब तक पूरा सॉक्स ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक धागा बाहर ही निकलता जाएगा, थ्रेड बाहर ही निकलता रहेगा। सो एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड सो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फाइबर, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है कपड़ों की दे आर मेड ऑफ नीटेड फाइबर्स। सो नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, तो नीटिंग भी हैंड नीटिंग मशीन से मतलब हैंड प्लेट से या तो अनदर मशीन से भी नीटिंग की प्रोसेस होती है। सो वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, तो वी अंडरस्टैंड दैट वी आर लर्निंग दैट वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, तो फैब्रिक बनाने के लिए यान में से वीविंग और नीटिंग करके उसमें से डिफरेंट तरह के फैब्रिक बनाए जा सकते हैं। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, और ये फैब्रिक से वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम की बहुत सारी वैरायटी हम बना सकते हैं। सो नाउ हियर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री, कब से क्लोथिंग मटेरियल के बारे में क्लोथ कब से शुरू हुए उसकी बात करेंगे हम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, क्या आपको ये मालूम है कि प्राचीन समय में एंशिएंट टाइम्स मतलब हजारों लाखों सालों पहले पीपल मतलब लोग कपड़े के लिए क्या करते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम हजारों साल पहले एंशियंट टाइम में प्राचीन समय में लोग जो थे बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, तो जो ट्रीज होती है पेड़ के छाल मतलब बार्क मतलब उसकी छाल जो होती है, एंड बिग लीव्स बड़े बड़े पत्तों का यूज़ करके या तो एनिमल स्किन और फर्स यूज़ करके, फर मतलब उसकी रुवाटी उसके हेयर जो होते हैं वो यूज़ करके कवर देमसेल्फ अपने आप को कवर करते थे, मतलब एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो उस टाइम क्लोथ नहीं होते थे, तो क्लोथ नहीं होते तो क्या यूज़ करते थे, बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्फ। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, उसके बाद जब लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में मतलब खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर में फार्मिंग के अंदर जब जुड़े, दे लर्न टू वीव ट्वीक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, फिर वो लोगों ने ग्रास में से मैट्स एंड बास्केट बनाना शुरू किया। वाइंस एनिमल फ्लीस और हेयर वेर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, एनिमल फ्लीस और हेयर मतलब एनिमल की जो रुवाटी है उसके हेयर जो होते हैं उसको ट्विस्ट करके इन्होंने लंबे लंबे स्ट्रैंड्स यान धागे बनाने चालू किए। दीज वेर वुवन इनटू फैब्रिक्स, फिर उसमें से फैब्रिक बनाना चालू किया। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, अर्ली इंडियंस तो पहले के समय के जो अर्ली इंडियंस जो थे दे वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, कॉटन में से बना हुआ फैब्रिक पहनते थे अर्ली इंडियन लोग, दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, तो रिवर गंगा के पास गंगा नदी के पास कॉटन उगाया जाता था और उसमें से बने हुए वुवन फैब्रिक पहनते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, ऐसे ही फ्लैक्स करके एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स इन एंशियंट टाइम्स इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो इजिप्ट में क्या होता था प्राचीन समय में कॉटन भी यूज होता था और कॉटन की जगह फ्लैक्स भी यूज होता था, एंड फ्लैक्स इज कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स फैब्रिक्स,
तो फ्लैक्स में से भी फैब्रिक बनाए जाते थे। इन दो डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, आज के दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, वो नॉन प्रख्यात नहीं है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज, बहुत तरह से फैब्रिक यूज होता है। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, मतलब पहले के समय में जो लोग थे वो सिया हुआ नीट, जो सिलाई मशीन से सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उस टाइम नीडल की खोज नहीं हुई थी। बट विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ, तो पहले स्टिचिंग फैब्रिक नहीं पहनते थे, पर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल की खोज के बाद दे स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ, उसमें से बने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनने लगे। स्टिचेड क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, पर आज भी विदाउट स्टिचिंग के कपड़े भी पहने जाते हैं, लाइक साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। तो धोती, लुंगी, साड़ी और टर्बन, मतलब जो पागड़ी जो होती है वो भी बिना स्टिचिंग की होती है। सो दे ऑल थिंग यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। सो जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम, जैसे फूड में डिफरेंट होता है, पूरे देश के लोग वैरायटी वाले फूड ईट कर खाते हैं, ऐसे ही कपड़े भी पूरे कंट्री में डिफरेंट तरह के सब लोग पहनते हैं। सो हियर इज अ मेथड, कॉटन रोल्स में से जीनिंग में उसमें से फाइबर बनता है, फाइबर में से स्पिनिंग में, मतलब स्पिनिंग प्रोसेस से उसमें से यार्न बनता है, और यार्न में से दो तरह से फैब्रिक बनता है, नीटिंग या तो वीविंग मेथड से। तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, आपको ये लेसन अच्छे से स्टार्टिंग से फिर रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए सो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप। सो इसके रिलेटेड जो भी वर्कबुक में आपको साथ में फिलअप करते रहना है, तो वर्कबुक आपकी जितने चैप्टर चले साथ साथ मैं आपको फ़ोटो भेजूँ, आपकी वर्कबुक भी कम्प्लीट रहनी चाहिए, ओके। और साथ में आप प्रिपरेशन भी करते रहना, जैसे पहले मैंने टेस्ट लिया था साइंस में, ऐसे मैं नेक्स्ट टाइम भी कभी भी टेस्ट ले लूँगा आपका, सरप्राइज टेस्ट। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।